ओटीटी के लिए, बिग बॉस ओटीटी के लिए आया था, बट वो मैं अभी इसलिए नहीं कर सकती ऑब्वियसली बिकॉज दियारा बहुत छोटी है अभी, उसको इतने महीने छोड़ के अलग नहीं रह सकती मैं. मैं 12 घंटे यहाँ सेट पर आती हूँ तो मेरी जान निकल जाती है. तो मुझे लगता है कि अभी नायगांव, सोचो मैं नायगांव भी आने के बाद अपने ड्राइवर को दो बार भेजती हूँ, बुलाती हूँ, तो ऐसे में बिग बॉस तो नहीं हो पाएगा. आई वुड लव टू डू झलक. मैं यू नो अभी तक इतने सालों में मैंने ऐसा कोई शो नहीं किया जहाँ पे मुझे अपना डांस दिखाने का मौका मिले, और आई एम ट्रेन डांसर. सो या आई वुड लव टू डू इट. बहुत टाइम से मेरे दिमाग में है मुझे समथिंग रिलेटेड, बिकॉज मैंने विशारद किया है कथक में, मुझे कथक दिखाने का मौका कभी मिला नहीं है. तो विशारद करना मतलब उसमें थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके एग्जामिनर्स आते हैं बाहर से, आपके एग्ज़ाम लेते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, 7 साल का कोर्स होता है ये. सो मैंने भातखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है कथक का विशारद. तो मैं चाहती हूँ कि अपना कथक मुझे दिखाने का मौका मिले, तो इसलिए मैं यू नो अनारकली काइंड ऑफ अ रोल और उमराव जान काइंड ऑफ अ रोल करना चाहती हूँ. सबसे पहले यू नो प्रोफेशनली आई वांट टू डू गुड वर्क. यू नो तरह तरह के रोल्स करना चाहती हूँ एज एन एक्टर, बहुत एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें. बट फर्स्टली मुझे फिनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होना है, तो उसके लिए आई नीड टू वर्क. तो अभी कुछ टाइम तक मुझे आई नीड टू वर्क. तो जब वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाऊंगी, देन आई विल चूज व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट यू नो व्हाट आई रियली वांट टू डू. हाय, दिस इज चारू असोपा, यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन USA.